नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में शुक्रवार को योग महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक की गई, जिसमें 70 से अधिक योग संस्थाओं के योगाचार्य, समितियों के चेयरमैन, पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि इस वर्ष की थीम महिला सशक्तिकरण रखी गई है, जिसके अंतर्गत योग कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 15 एवं 16 जून को 1500 मिनट के योग कार्यक्रमों के द्वारा विश्व कीर्तिमान भी बनाया जाएगा। महापौर ने कहा कि स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर को ध्यान में रखते हुए जयपुर को योगमय बनाने के लिए 10 जून से 21 जून तक नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में 7 जोनों के प्रमुख चिन्हित स्थानों पर योग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें योग से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं द्वारा आमजन को योग से जोड़ा जाएगा। सभी योग कार्यक्रमों की शुरुआत गायत्री सूक्ष्म नैनो यज्ञ से की जाएगी। बैठक में समितियों के चेयरमैन, पार्षदगण, उपायुक्त राजस्व प्रथम जनार्दन शर्मा सहित अन्य संस्थाओं के योगाचार्य मौजूद रहेंगे। होते ही आज से वापस हम काम में जो योग की तैयारियां हैं उसकी एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें लगभग 70 से ज़्यादा योग संस्थाएं हैं वो यहां आई हैं। और इसके साथ में योग महोत्सव 2024 हमें कैसे मनाना है उसमें हमारे तमाम चेयरमैनगण, पार्षदगण भी यहां आए हैं। उसके साथ में एक सकारात्मक चर्चा हुई कि हमें योग को, जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमें जयपुर को योगमय बनाने के लिए अपना प्रयास है वो करना चाहिए। और एक फोन कॉल पर हमारी सभी योग संस्थाएं जयपुर में जो मुख्य रूप से काम कर रही हैं, वो सभी योग संस्थाएं यहाँ आई, सकारात्मक सुझाव दिए। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगातार 11 योग के बड़े कार्यक्रम नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किए जाएंगे। और साथ ही 15 और 16 जून को एक विश्व रिकॉर्ड, एक विश्व कीर्तिमान भी बनाने जा रहा है नगर निगम ग्रेटर जयपुर। तमाम संस्थाओं के साथ में मिलकर 1500 मिनट बिना रुके हुए योग किया जाएगा, और जिसमें तमाम योग संस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो चाह रहे हैं कि वो आपका समय बढ़ाइए, क्योंकि 1500 मिनट में तो आधे घंटे का स्लॉट अगर हर संस्था को दी जाएगी तो कम मिल पाएगी और ज़्यादा भागीदारी के लिए, तो ये हो सकता है 1500 मिनट से बढ़कर और आगे भी जा सकता है। तो एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और तमाम योगाचार्यों के द्वारा हमारी जितनी योग पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का भी एक समाहित, एक सम्मेलन के रूप में सम्मिलित रूप से होगा, जहां ओम शांति, जहां कीड़ा भारती, जहां पतंजलि योग समिति, जहां एकम योगा, जहां शिव योग, हठ योग, सारे जो योग के प्रकार हैं उन प्रकारों के साथ में जयपुर को योगमय बनाने के लिए, योग महोत्सव बनाने के लिए नगर निगम की पूरी टीम है वो फिर से तैयार हो गई है जयपुर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि जब यहाँ स्वस्थ स्वास्थ्य होता है वहाँ स्वच्छता।